इंडियन नेशनल कांग्रेस को 28 दिसंबर 1885 में बनाया गया था, जिसका सबसे पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में, जो कि 28 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक चला था, और जिसका प्रेसिडेंट रहे थे उमेश चंद्र बनर्जी। और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए सबसे पहला प्रपोजल दिया गया था एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट द्वारा, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इस सेशन में शामिल थे अखंड भारत के बहुत से शिक्षित लोग, जैसे कि दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, उमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन त्याब जी। कुल मिलाकर 72 डेलीगेट शामिल थे इस सेशन में, और जिनके प्रेजेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत की गई थी।